I am Kamal saeed from University of Saint Faculty of Education and today my presentation topic is strategy for solving problem and intervention and my presentation is assigned by Dr. Amjad Ali Arang. So let's proceed. First the definition of solving problem is solving problem is a process in this we are directed to achieving a certain goal when there is no solution for the problem solver and the intervention or action performed to bring about change in people. एंड द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फर्स्ट वी आइडेंटीफाई द प्रॉब्लम देन वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन ऑर्गनाइज द इन्फॉर्मेशन या डेटा जो डेटा हमने कलेक्ट किया है हम उसको ऑर्गनाइज़ करें देन एलोकेट द रिसोर्स कि कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है या हमें कहाँ ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए देन वी मोनिटर इट एंड चेक एंड इवेल्यूएट यानी उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं फर्स्ट स्ट्रेटजी है यूरिस्टिक स्ट्रेटजी यूरिस्टिक स्ट्रेटजी में ये करते हैं कि हम इनकरेक्ट अल्टरनेट्स जो होते हैं हम उसको ख़त्म कर देती हैं या उसके ऊपर ध्यान नहीं देते एंड एक्सप्लोर ओनली दोज अल्टरनेट दैट इज़ सीन स्पेशली लाइक टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा फैमिली डॉक्टर है या फैमिली डॉक्टर है तो जो हमारे जो हमें ट्रीट करता है कि हम उसकी सजेशन के ऊपर ज़्यादा फॉलो करेंगे उसकी सजेशन को कि भले चाहे उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हम उसके ऊपर ज़्यादा उसकी सजेशन को ज़्यादा फॉलो करेंगे तो ये यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी कि हम इनकरेक्ट अल्टरनेट को यानी हम खुद सोचेंगे नहीं या किसी और से नहीं पूछेंगे हम सिर्फ उसी की सजेशन पर यकीन करेंगे सेकेंड स्ट्रेटजी है मीन एंड यूरिस्टिक स्ट्रेटजी ये यूरिस्टिक स्ट्रेटजी की तरह ही है पर इसके अंदर दो स्टेप होते हैं फर्स्ट यू डिवाइड अ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम या उसके स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं देन वी ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल स्टेट एंड द गोल स्टेट फॉर ईच ऑफ द सब प्रॉब्लम के पहले हम उस जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं फिर हम उसका एंड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसका एंड क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि इसके अंदर फर्स्ट या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम हमारे पास एक एंड प्रेजेंट होता है कि हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये आना चाहिए फिर हम उसको मीन करते हैं यानी उसके डिफरेंट सोल्यूशन देखते हैं कि कौन सा सोल्यूशन इसके लिए बेटर रहेगा या कौन सी स्ट्रेटी हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या कौन सा सोल्यूशन हम इन्हें दे सकते हैं या कौन सा हम इसे बेहतर सजेशन होगी हमारी द थर्ड स्ट्रेटी ट्रायल एंड एरर स्ट्रेटजी ट्रायल एंड एरर में ये होता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ट्राई करते जाते हैं और फिर हम एंड में हमारे पास एक बेटर सॉल्यूशन रह जाता है या गुड ऑप्शन अवेलेबल होता है हमारे पास फोर्थ स्ट्रेटजी इनसाइट एंड एनालॉगी स्ट्रेटजी इस स्ट्रेटजी में ये होता है कि वी एम्प्लाई अ सोल्यूशन टू अ सिमिलर अर्लियर प्रॉब्लम टू हेल्प इन सॉल्विंग अ न्यू वन कि हम इस स्ट्रैटी में वही सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं जो हमने पहले कभी किसी स्ट्रेटजी में अप्लाई किया हुआ हो होता है या पहले किसी प्रॉब्लम में अप्लाई किया होता है फॉर सपोज़ कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है या टीचर अगर किसी स्टूडेंट को गाइड कर रहा है कि कभी कभार ये होता है कि हमने उस तरह का केस पहले देख रखा होता है तो इसलिए हमारे पास इनसाइड से एक जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाता है हम बगैर कुछ सोचे समझे उन उनको गाइड कर सकते हैं कि ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो सकता है तो वो इन साइड स्ट्रेटजी एनलॉगी अप्लाई हो जाती है अप्लाई हो जाती है क्योंकि हमने पहले ही उसके जिसी प्रॉब्लम से डील कर रखा है एंड सम अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज गैस दिस इंक्लूड गैस एंड चेक कि हम गैस एंड चेक करते रहते हैं अब उस प्रॉब्लम के बारे में गैस करते रहते हैं कि इसका ये आंसर सही रहेगा एंड सेकेंड इज़ एक्ट इट आउट कि हम उस सिचुएशन में उसको उस उस क्लाइंट की जगह या उस स्टूडेंट की जगह अपने आप को रख के देखते हैं कि अगर हम होते तो हमारा क्या रिएक्शन होता या हमारा क्या बिहेवियर होता थर्ड इज़ ड्रॉ कि हम उसको फिगर आउट करते हैं सिचुएशन को फिगर आउट करते हैं एंड फोर्थ इज़ मेकल लिस्ट जिस के हम उसका चार्ट बनाएँ और उसकी uh, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करें एंड देन फिफ्थ इज़ थिंक उसके बारे में सोचो uh, सोचते रहें तो कभी कभार ये होता है हमारे पास इनसाइड से एक सोल्यूशन हमें मिल जाता है तो ये एक इनसाइड स्ट्रेटी की ही काइंड थिंक सो एंड देर इज़ आइंस आइंसटाइन कहते हैं द ओनली वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू चेंज द थिंकिंग दैट क्रिएटेडेड ये भी एक अच्छी स्ट्रेटी है चेंज द थिंकिंग क्या आइंस्टाइन कहते हैं चेंज कर दो उसकी थिंकिंग को चेंज कर दो कभी कभार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे भी मिल जाता है नाउ देर इज स्ट्रेटीज फॉर इंटरवेंशन नंबर वन इज़ बिहेवियल इंटरवेंशन बिहेवरल इंटरवेंशन में क्या होता है काउंसिलिंग गाइड देता है उसका डैमेजिंग और अनहेल्दी बिहेवियर दिस इंटरवेंशन इज स्ट्रेटेजी हेल्प काउंसलिंग मॉडिफाइड डैमेजिंग अनहेल्दी बिहेवियर ऑफरिंग कॉम्प्रीहेंसिव केयर इन ऑर्डर टू हेल्थ एंड फाइन सक्सेस एडहेरिंग टू द न्यूली मॉडिफाई बिहेवियर हर स्टूडेंट्स का या हर पर्सन का अपना बिहेवियर होता है जिसको हम गुड या बैड कर सकते हैं बिहेवियर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है और हमारा एटीट्यूड मिल के ही हमारा बिहेवियर बनाता है तो बिहेवियर हम चेंज भी कर सकते हैं किसी का भी बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए बिहेवियर हम उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं ताकि वो उसकी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करें और क्या स्ट्रेटी हम अप्लाई कर सकते हैं कि, कि हम उसकी उसको अवॉइड कर सकते हैं यानी कभी कभार अगर टीचर क्लास में है और कुछ स्टूडेंट ये होते हैं कि हाइपर एक्टिव कर जाते हैं टीचर के टेंशन को गेन करने के लिए हाइपर एक्टिव तो हम उसे क्रिटिसाइज भी नहीं करें और उन्हें समझाएं भी क्योंकि अगर हम ज़्यादा अवॉइड करेंगे तो वो दोबारा ऐसी हरकत करेंगे या दोबारा वो इसी तरह की हरकत करेंगे तो हम उन्हें उन्हें समझाएं डायरेक्टली भी क्रिटिसाइज़ नहीं करें बार बार भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते और उन्हें अच्छे बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड भी दे सकते हैं यानी पूरी क्लास के सामने कि मैंने इन्हें मना किया था तो ये फिर फिर उन्होंने दोबारा वो दोबारा उन्होंने वो बिहेवियर नहीं लिया तो ये इस तरह हम उन्हें रिवार्ड भी कर सकते हैं एंड द सेकेंड इज़ अफेक्टिव इंटरवेंशन इसके अंदर तीन प्राइमरी गोल होते हैं इसके कि ये हेल्प करता है क्लाइंट को उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एंड उसके डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फीलिंग एंड फीलिंग स्टेट एंड सी इज़ टू अल्टर और एस फीलिंग और फीलिंग स्टेट इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर क्लाइंट ओवरली स्ट्रॉग फीलिंग होती है उसके अंदर उसको आइडेंटिफाई कर करन, करना होता है हमें उनके इमोशंस को उसको प्रॉपरली यूज़ करना बताना होता है इसके अंदर जैसे कुछ बच्चे या कुछ लोग ओवर रिए कर देते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी ओवर रिए कर जाते हैं तो ये ओवर रिए किस तरह कर जाते हैं कि कोई बच्चा अगर इन्हें भुली करता है तो ये उसके साथ फाइटिंग करने लग जाते हैं या अगर कोई इन्हें इनकी इनसे कोई चीज़ छीन ले या कुछ भी कह दे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी फाइटिंग पे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा एंगर हो जाते हैं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो इन्हें इधर इमोशन का अच्छे तरीके से इंटरवेंशन स्ट्रेटजी हम अप्लाई करके हम उन्हें उनकी फ़ीलिंग उनके इमोशन एक्सप्रेस करना बताते हैं कि आपको थोड़ा रिलैक्स हो के हम अपनी बात मनवा सकते हैं किसी भी दूसरे से एंड द थर्ड इज़ कागनेटिव इंटरवेंशन ये जिस तरह अफेक्टिव इंटरवेंशन इज़ रिलेटेड विद फीलिंग एंड कॉग्नेटिव इंटरवेंशन इज़ रिलेटेड विद द थिंकिंग ऑफ पीपल ओवर थिंकिंग की वजह से वो सेल्फ़ प्रडिक्ट करने लग जाते हैं वो चीज़ों को या इंसानों के बारे में सेल्फ प्रडिक्ट करते हैं कि ये हम ये करेंगे तो ये ऐसा होगा और ये शख्स ऐसा है वो भले चाहे किसी से बात ना करें पर वो थिंकिंग करते रहते हैं हमेशा सोचते रहते हैं यानी एक जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट होता है समटाइम एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो किसी से बात नहीं करता उसके ज़्यादा फ्रेंड नहीं होते तो वो ओवर थिंकिंग भी वो ओवर थिंकिंग करता है और टीचर को उसके बारे में प्रेडिक्ट करना चाहिए उससे बात करनी चाहिए तो इससे हम उसे उसके नेगेटिव इमोशन कम होंगे और उसको ये भी पता चलेगा कि जैसा वो सोचता है वर्ल्ड के बारे में या दूसरे पीपल के बारे में दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में वो इस तरह ज़रूरी नहीं है जैसा हम चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो वैसी ही हो समाइम uh, हमें लोगों से बात करके अच्छा लगता है और uh, हम उनसे बात करते हैं तो वो हम, हम हमारी थिंकिंग डिफरेंट हो जाती है और कॉग्नेटिव uh, इंटरवेंशन में कागनेटिव इंटरवेंशन ज़्यादातर स्कूल में भी अप्लाई हो अप्लाई होती है बिकॉज टीचर एक अच्छा काउंसलर भी हो सकता है टीचर एक अच्छा काउंसलर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ सकता है उसे अपनी क्लास के हर स्टूडेंट के बारे में पता होता है तो इसलिए ये कागनेटिव इंटरवेंशन स्ट्रेटी वहाँ पर अप्लाई हो सकती है सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन